डीजे गंज की है ये कहानी, बात तो है दो दिन ये पुरानी, फिर भी दादी को है सुनानी। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, दादी भी एकदम ठीक ठाक। और बताओ मेरे बच्चों, आपकी जन्माष्टमी कैसी रही? दादी की तो बहुत अच्छी रही। रात ऐसी बिजली चमक रही थी, ऐसे बादल गरज रहे थे, इतना तूफान आ रहा था, जैसे बिल्कुल उस समय हुआ था ना जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था द्वापर युग में। फिर दादी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण फिर से अवतार तो नहीं ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल वैसा ही समा सा लग रहा था। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं डीजे गंज के बारे में, डीजे गंज के पीपड़ के बारे में। वैसे तो छोटी पूतना का भी तमाशा आया, लेकिन उसके बारे में मेरा बात करने का अभी बिल्कुल मूड नहीं है, दूसरे किसी भीड़ में करेंगे उसके बारे में बात है। और हाँ, एक और किसी के बारे में बात करनी है। और कौन ये भेद? डीजे टब्बर की बड़की बहुरिया। आप कहोगे यहाँ तो एक ही है दुपट्टा, नहीं नहीं नहीं, इनकी बड़की बहुरिया भी है, वो भी सड्डी। उसके बारे में बात करेंगे। एक बात मुझे उसके बारे में पता चली है, सुन के बड़ी हैरानी हुई है, पढ़ के कुछ बड़ी हैरानी हुई मुझे। और मतलब ऐसा, चलो जो भी हुआ मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी, है ना। और ये कहूँगी कि भाई जो भी है बस कर्मों की, क्या कहते हैं, कर्मों का हिसाब किताब है। चलिए बात कर लेते हैं पीपड़ के बारे में। है जैसा कि उसने दो दिन पहले वीडियो डाला था उस अपने तमाशे में, उसने बताया था कि रंगीली वाला जो हॉस्पिटल में है और क्यों है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे इनकी आदत है कंटेंट बनाने की, डॉलर छापने की है। लेकिन हालांकि इसका क्या कहते हैं, भांडा फूट गया था, क्योंकि इसके उसी तमाशे में लोगों ने लिख दिया था कि भाई रज्जू की बेटी हुई है, रज्जू की बेटी हुई है। फिर भी इतना बेशर्म है, दोबारा से वही कंटेंट लेके आ गया कि इट्स अ बेबी गर्ल है। तो बासी न्यूज़ लेके आया कि बेटी हुई है, फिर वो जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, मैं जा रहा हूँ, है इतने चक्कर लगा रहा हूँ, खिचड़ी बना रहे हैं, कोई दाल बना रहे हैं। हालांकि आने जाने में ये जो भी ये खर्चा कर रहे हैं उससे डबल ट्रिपल ये कमा रहे हैं, वो ट्रिप वालों को नहीं दिखेगा, लेकिन हमको तो सब कुछ दिखता है ना। अब आप बोलोगे दादी ये तो दो दिन बाद पुरानी है, तो आज क्यों बोल रहे हो? वो तो मैंने पहले ही आपको बताया ना कि दो दिन बाद पुरानी है। वैसे मैंने पहले बात करनी थी, लेकिन कभी ना इधर उधर की बातों में मैं भूल गई है ना, या नहीं कर पाई, पर इस बात पर बात करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि आज जो छोटी पूतना की ज़िंदगी में जो भी हलचल मची है, जो उसका हाल है, हालांकि खुद भी जिम्मेवार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मेन कारण है उसकी ज़िंदगी में हुई हलचल का है। जैसा कि मेरे बच्चों आपको पता ही है कि जो डीजे गंज के लोग हैं कितने ये मौका परस्त, कितने एहसान फरामोश, मतलब कितने घटिया टाइप के बंदे हैं, है ना। और ये आज साबित भी हो गया, मतलब जिस रज्जू का मुझे नहीं लगता कई टाइम से, कई महीनों से जिक्र नहीं हुआ था, है ना, कोई बात नहीं होती थी, वो अचानक से जो है रक्षाबंधन पे आती है, उसके बारे में बात होती है। और अब जो उसका बच्चा हुआ है, होने वाला नहीं, हो चुका है बच्चा, बेटी जो भी लक्ष्मी उसके घर में आई है, उसको भी इन लोगों ने कंटेंट बनाया है। ये ऐसे लोग हैं कि दूसरों की जिंदगियों का भी, दूसरों की खुशियों का भी कंटेंट बनाने से बाज नहीं आते हैं। अब आप कहोगे भी इसमें क्या बड़ी बात होगी? बड़ी बात है, आप जानते हो कि ये जो आज छोटी पूतना की ज़िंदगी में या जो भी मनमुटाव हुआ है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस कंटेंट बनाने के चक्कर में ही हुई थी, है ना। जब चिंटुआ पैदा हुआ था तो इन लोगों ने इसी बात का मतलब बवाल मचाया था, क्योंकि जो आपको पता ही कि जो पूतना की शादी, छोटी पूतना की शादी हुई थी, उसमें सारा कंटेंट इन भाई बहन ने, मतलब पीपड़ ने और बड़की पूतना ने, उसका सारा कंटेंट बनाया था। छोटी पूतना को बनाने का मौका नहीं मिला था, सारा का सारा कंटेंट पीपड़ और झूठ की दीवानी ने छापा था, है ना। ये ऐसे ही लोग हैं, मतलब इनका कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब है। तो उस टाइम भी इनका ये था कि भाई जो छोटा बच्चा हुआ था, हालांकि देखिए जो पिता था, जो बच्चे का पिता है, वो चाहता था कि जो भी खुशखबरी है, जो भी बात है, वो अपने चैनल से बताए। और सही है भाई, जब ये शादी अपने, जब ये अपने अपनी शादी के कंटेंट या कोई भी कोई ऐसी है ना गुड न्यूज़ होती है, कुछ भी होता, वो अपने ही चैनल से बताते हैं, चाहे वो पीपड़ हो या झूठ की दीवानी हो। तो फिर भी ये हक जो है छोटी पूतना को या चिंटुआ के पिता को क्यों नहीं था? तो इस बात का इतना मतलब उन्होंने बवाल मचाया था कि हमें बनाने दिया, बनाने दिया, मतलब बोला नहीं, लेकिन सारी खुन्नस जो है इसी चीज़ की निकाली गई है उस कागजी जीजा से अपने, है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो खटास इनके मन में आ गई थी ना कि भाई हमें कंटेंट क्यों नहीं छापने दिया, वो झूठ के दीवानी है इस पीपड़ के, उस खुन्नस का बदला, उस खटास का बदला इन्होंने ऐसे लिया अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद करके। मतलब इसकी तो बड़ी है, लेकिन झूठ की दीवानी की छोटी बहन है वो, है ना। उसके दिमाग, उसका कान भरते रहे, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाते रहे, और वो लड़ झगड़ के जो है लड़ झगड़ के आई है छोटी पोता, है ना, अपने बच्चों को उठा के आ गई। तो समझाने के बजाय इस पीपड़ ने उसको भी कंटेंट बनाया, है ना, बहन को, भांजे को, है, चाहता तो समझा सकता था, मतलब ये थोड़ा होता कि छोटा भाई समझा नहीं सकता, वैसे तो इंटेलिजेंट बड़ा बनता है, समझा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको तो वो अपनी खुन्नस निकालनी थी, जो उनको गुस्सा था कि भाई हमें क्यों नहीं करने दिया, उसने अपनी मनमानी क्यों की, मतलब क्योंकि फिसड्डी जैसा वो आज्ञाकारी ज्वाइन ही बन रहा था, तो वो वाली सारी खुन्नस इन्होंने निकाली।
मतलब कहीं ना कहीं ये इतने घटिया लोग हैं कि कंटेंट के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में किसी की जिंदगी से खेल सकते, किसी की जिंदगी का भी कंटेंट बना सकते हैं ये। इसलिए दादी ने भाई आज दो दिन पुरानी बात छेड़ी, क्योंकि इस बात पे मैंने कहा ना बात करना बहुत ज़रूरी था। तो पीपल जो आज तुम्हारी बहन की ज़िंदगी में ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये उसमें सबसे बड़ा कारण तुम लोगों के लालच का है। तुम इतने लालची लोग हो कि तुम्हारे लिए अपने रिश्ते नातों की खुशियाँ मायने नहीं रखती। तुम्हारे लिए मायने रखता है कि किस कदर उसको कमा लिया जाए, मतलब रिश्तों का खून चूस लिया जाए सिर्फ अपने डॉलर कमाने के लिए, है ना। तो बाकी इनके कोई वीडियो में कुछ खास था नहीं, वही हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल से आ रहे थे, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि आने जाने में जो भी खर्चा, ये जो खिचड़ी दाल ये सब खर्चा हो रहा है, उससे डबल ट्रिपल ये कमा रहे हैं। कमा लिया है इन्होंने उस कज़न की बच्चे की खुशखबरी की आड़ में। ये ऐसे सब स्वार्थी लोग हैं। चलिए, जो मुझे एक बात कहीं ना कहीं से मैंने पढ़ी है, मुझे फिसड्डी के बारे में है, बड़की बहुरिया के बारे में इनकी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो भी सुनने में आया है कि जो ये फिसड्डी है, ये बाप नहीं बन सकता है। ओहो, मतलब तभी झूठी के चेहरे को देखकर लगता था बस अभी गा पड़ेगी कि भाई इनको, इनसे होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं। चलिए, जोक सा पार्ट है, पर भाई दादी ऐसा क्यों बोल रही है। मतलब देखो, किसी का कमेंट आया था झूठी को कि भाई झूठी मेरा जो भाई है ना, वो मतलब उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, उनके बच्चा नहीं, 15 साल उनकी शादी हो गया, उनका टेस्ट कराया, और कमी मेरे भाई में ही है। उसको मेरे भाई को ना IVF के लिए बोला है, लेकिन वो करवाता नहीं है, मुस्टंडा कहीं का। तो कहीं ना कहीं क्या भाई ये जो कमी है, जो ये मतलब कि जो जिस कमी के लिए रोती रहती है, वो कमी मुस्टंडे में है, फिसड्डी में है, मतलब है ना। तभी लोग है ना ऐसा उनको कहीं ना कहीं फील हुआ होगा, तभी इतनी बड़ी सलाह दी है कि बहन तुम भी IVF करा लो, है तो क्या कह सकते हैं भाई, क्या पता, कुछ नहीं कहते। और हाँ, एक और बात पता चली है मुझे कि भाई फिसड्डी ने तो दूसरी शादी कर ली है। ये भी किसी ने कमेंट किया था कि भाई सड्डी की दूसरी शादी कर लिया, कह रहा था कोई कि भाई छोटी पूतना के ब्लॉग में देखा है कि कोई बोल रहा था कि जो है भाई सड्डी है उसने दूसरी शादी कर ली है। तो क्या बहन ये सच है, मतलब लोग कुछ भी लिखते हैं, घटिया लोग हैं। अरे टिरू वाली मुस्टंडी लोग कुछ भी ऐसे नहीं लिख देते। अब कोई शादीशुदा महिला भाई जो अपने पति के साथ रह रही है, उसके बावजूद उसके टाइटल में होता है अलोन वाइफ, है अलोन मैरिड लाइफ, अकेली पत्नी, बेचारी पत्नी है, तो फिर बंदा को यही सोचेगा नहीं मुस्टंडा पति भाग ही गया होगा या उसने दूसरी शादी कर ली होगा, तभी तो अलोन है। क्योंकि भाई जो मैक्सिमम लेडीज़ हैं इंडिया में, वो जहाँ पति जॉब करते हैं वहाँ रहती हैं, पर वो ये नहीं कहती हैं कि मैं अलोन लाइफ है ना। पति के साथ रहते हुए भी कोई अलोन कैसे हो सकता है ना। तो इंसान के मन में या इंसान यही कहेगा, जो ये या मुस्टंडे जो भी ये टीरू वाले हैं बेचारे हैं, इनको तो ये लगेगा कि हमारी जिजी अकेली तो नहीं होगी, कहीं मुस्टंडा फिसड्डी हमारे ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, इसलिए मुस्टंडा फिसड्डी दिखता नहीं है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ये तो जो दिखता है वो बिकता है ना, जो लोग देख रहे हैं उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये गलती जो है तुम्हारी जिजी की है टीरू वालों, तो ये बोलती रहती कि मैं अकेली। खैर, जैसे मुस्टंडे ये लोग हैं वैसे इनके कुछ टीरू वाले भी हैं। एक कमेंट आया था किसी का कि भाई जो पंजाबन, ये जो दुपट्टा ही पंजाबन है, और पंजाबन जो हिमाचली पे भारी पड़ रही है, और वैसे भी एक कहावत है कि भाई हिमाचली भाई ने पहाड़ी भाई पहाड़ी मित किस दे किस पहाड़ी मित किसके पत खाया किसके, ना। तो मुस्टंडी जो भी तू है, एक तो टुच्ची मानसिकता ना अपने पास रख। देखो, पंजाबियों का पहाड़ियों का आपस में बड़ा मेल जोल है, बहुत प्यार है ना। पंजाबी पहाड़ियों की बात क्या, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का, सबसे पहले हम क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। और जहाँ तक रही बात की भई जो पंजाब की बेटी भारी पड़ रही है हिमाचली पे, तो देखो ये जो डीजेगंज वासी ना, ये पहाड़ी है ना, ये पंजाबी है। और रही पंजाबन के भारी पड़ने की बात, तो तुम्हारी रंगीली वाला भी तो पंजाबन है, वो क्यों गुणों के से भरपूर नहीं है। मतलब एक, हाँ ऐसे कर सकते, एक पंजाबन दूसरी पंजाबन पे भारी पड़ गई है। तो वैसी टुच्ची मानसिकताएं ना यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मत बिखो, और अपनी जो टट्टी सोच है ना उसको अपने तक सीमित रखो। ऐसे के मतलब लड़वाने की कोशिश मत करो हिमाचली पंजाबियों को, है ना। हिमाचली पंजाबी भाई भाई है। देखिए, गंदे लोग अच्छे लोग हर जगह होते हैं, इन जैसे टुच्चे लोग, ये डीजेगंज वासी जैसे, है ना। इसमें कोई ये नहीं होता कि पंजाब से है तो वो अच्छा हो ही होगा या बुरा ही होगा, ये हिमाचल से तो अच्छा ही होगा बुरा ही होगा, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। और सबसे पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी, इंडियंस। मुस्टंडे टुरू वालो,
तो चलो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। हो सकता है जल्दी मैं दूसरा वीडियो भी डालूँ, है ना, क्योंकि छोटी पुतना पे भी बात करनी है और अब ये मुस्टर्न डे पेपर का भी वीडियो आ गया है दूसरा, है ना, तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो मैंने वीडियो डाला है ना, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें। लव यू मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम जी।